हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले अगर बात करेंगे कल के स्टॉक्स के ऊपर से डिस्कशन करने से पहले, अगर आज के स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे तो आज जितने भी लोगों ने ट्रेड किया होगा उनको ज़रूर एक अच्छा मुनाफा मिला होगा, क्योंकि आज चोला फाइनेंस में हम लोगों को एक शानदार तेज़ी देखने को मिला। एक्सिस बैंक मॉर्निंग से ही स्ट्रांग था और लास्ट तक काफ़ी स्ट्रांगली ट्रेड किया। मारुति में अगर बात करेंगे तो मारुति में भी हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला। इनिशियली तो स्टॉक डाउन जरूर गया, बट उसके बाद स्टॉक में शानदार रिकवरी देखने को मिला। तो चलिए अब हम लोग इस स्टॉक के ऊपर कल के स्टॉक्स के ऊपर बात कर लेते हैं डिटेल में। सबसे पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर हम लोग बात करते हैं, स्टॉक में हम लोगों को एक तेजी देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में ऊपर के लेवल से कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रहा था और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ साथ अगर यहाँ पे बात करेंगे तो स्टॉक एक रेंज में भी ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे फॉल किया, फॉल करने के बाद स्टॉक एक रेंज बनाया और फाइनली इस रेंज का ब्रेकआउट अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अब ऊपर की साइड में 975, 980 और उसके ऊपर फिर 1000 के लेवल की साइड स्टॉक मोमेंटम कर सकता है। तो इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बाय साइड के लिए ट्रेड करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर बात करेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक में हम लोगों को एक शानदार पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो कल इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग ऊपर की साइड में ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का एंट्री रहेगा 968 के लेवल के ऊपर। 968 के लेवल के ऊपर इस स्टॉक को बाई करेंगे। 3 रुपये का SL रहेगा, 965 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 971 का, दूसरा टारगेट रहेगा 974 का। सेकंड स्टॉक की बात करेंगे, सेकंड स्टॉक है L&T। L&T स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। एक रेंज बनाया स्टॉक ने और फाइनली रेंज का ब्रेकआउट हम लोगों को डेली चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में फर्दर 3000 की तरफ एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की साइड में 2600 के नीचे जो है आप लोग डेली बेसिस पे यहाँ पे अपने SL को प्लेस करके स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को ऊपर की साइड में कर सकते हैं। 3000 की तरफ एक बड़ा टारगेट आपको इस स्टॉक में मिल सकता है। इंट्राडे के लिए भी इस स्टॉक को हम लोग ट्रेड करेंगे। मॉर्निंग सेशन में एक अच्छा तेजी के बाद स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आपको एक रेंज में ही ट्रेड किया है। तो इस स्टॉक को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग इस स्टॉक को बाई करेंगे 2726 के लेवल के ऊपर। 2726 के लेवल के ऊपर बाई करेंगे। 2715 का हम लोगों का SL रहेगा, 2715 का SL रहेगा। 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 2737 का पहला टारगेट रहेगा और 2748 का दूसरा टारगेट रहेगा। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है अब वापस से ऊपर की साइड मोमेंटम करना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि स्टॉक में ऑलरेडी कंटिन्यूस गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा पैटर्न भी बनाया है, तो ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको एक गिरावट के बाद छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा होगा। ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा तो वापस से स्टॉक में हम लोगों को 600 का लेवल देखने को मिल सकता है। इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग बाय साइड के लिए ट्रेड करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं डेली चार्ट पे। यहाँ पे भी देखेंगे तो स्टॉक काइंड ऑफ जो है आपको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक को हम लोग बाई करेंगे ऊपर की साइड में जब ये स्टॉक निकलेगा 578 के ऊपर। 578 के ऊपर इस स्टॉक को बाई करेंगे। 576 का SL रहेगा,
580 का पहला टारगेट रहेगा, 582 का दूसरा टारगेट रहेगा। फोर्थ स्टॉक की बात करेंगे, फोर्थ स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के डेली चार्ट पे हम लोगों को एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। स्टॉक 1200 के लेवल के नीचे सस्टेन किया है। इससे पहले भी इस स्टॉक को हम लोगों ने शॉर्ट करने के लिए सेलेक्ट किया था जब स्टॉक ने यहाँ पे आपको इस पैटर्न को बनाया था। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ने सभी लो को ब्रेकडाउन कर दिया है। ऊपर के लेवल से हम लोगों को ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस दिख रहा है, नीचे स्टॉक ने सभी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो स्टॉक में एक फर्दर गिरावट हम लोगों को नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट साइड के लिए प्लान करेंगे। 11199 के लेवल पे स्टॉक ने क्लोज दिया है। इस स्टॉक को हम लोग प्लान करेंगे 1199 के लेवल के नीचे, 1199 के लेवल के नीचे इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। 1205 के ऊपर हम लोगों का एसएल रहेगा, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 1193 का पहला टारगेट रहेगा, 1187 का दूसरा टारगेट रहेगा। लास्ट स्टॉक की बात करेंगे, लास्ट स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्टॉक में क्लियरली हम लोगों को एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। स्टॉक का कल एक्स डिविडेंड डेट है, 15 रुपीज पर शेयर का यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है वेल एंड गुड, आप इस स्टॉक को होल्ड कीजिए, आपको और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगा। और इंट्राडे में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर इंट्राडे में हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक को बाई करेंगे। 4050 के लेवल के ऊपर हम लोगों का एसएल रहेगा, 4018 के पास। तो यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है 32 पॉइंट का। ऊपर की साइड में 4080 का पहला टारगेट रहेगा, 4082 का पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट हम लोगों का यहाँ पे होने वाला है 4114 का। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।